उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के शहर झिंघा घाट स्थित प्राइवेट बस स्टैंड से सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे मुख्यालय से सवारियों को लेकर जा रही प्राइवेट बस बहराइच नानपारा मार्ग पर मटेरा चौराहे के आसपास अनियंत्रित हो गई, जो बाल बाल बसते हुए खाई में पलट गई। बताया जा रहा है कि ग्राम मुस्लिमपुर के पास ये हादसा हुआ और सवारी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस चालक मौके से फरार हो गया। बस का नंबर UP 19T 22 13 है। मौके पर पहुंची थाना मटेरा पुलिस, नानपारा कोतवाली पुलिस और मौके पर 112-15-55 पहुंची। बताया जा रहा है कि बस बहराइच से रुपईडीहा जा रही थी, जिसमें लगभग 30 से 35 सवारियां थी, मुस्लिमपुर गांव के पास जाकर पलट गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों की सहायता से सभी यात्रियों को बाहर निकाला, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसका नाम ममता देवी, उम्र लगभग 23 वर्ष, अंकित कुमार 34 वर्ष, पुत्र भजराज निवासी दशहरा बाग रुपईडीहा, प्रदीप कश्यप पुत्र विदा कश्यप निवासी नानपारा जाहिद खान उम्र लगभग 26 वर्षीय, पुत्र इदरीस खान और भाई साहिद खान उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी बनकुरी बाबागंज बताया जा रहा है। उन सभी को जिला अस्पताल बहराइच इलाज के लिए भेज दिया गया है। बहराइच से बैठे थे रुपईडीहा के। तो जो घटना हुआ, आप मतलब कैसे हुआ है? ये घटना हुई जब जो है सामने से एक ट्रक आ रहा था, जब उस गाड़ी को इसने इधर को जब काटा, काटने के बाद फिर इधर नहीं आई गाड़ी। अच्छा, फिर वो मतलब जो है तो बाइक की तरफ वो चलती रही। तो गाड़ी काफ़ी रफ्तार में थी? नहीं, रफ्तार तो थोड़ी थी, ज़्यादा नहीं थी, 40-50-60 जरूर हो गई। बारिश भी हो रही थी? बारिश बहुत जोर हो रही थी। बारिश उसके बाद जब इधर को गाड़ी आई तो गाड़ी फिर एकदम समझ लो गियों की रुक गई, समझो चाले में रुकने के बाद जो गाड़ी इस तरीके से पलटी, जिस तरीके से पलटी खड़ी गाड़ी में पलटी, सवारी वारी सवारी पूरी थी। लगभग कितने थे? 45-46 जरूर सवारी थी सीटों से लगभग। अखंड भारत न्यूज़ के लिए कमालुद्दीन की रिपोर्ट, बहराइच।